हे द्युतिपूर्ण प्रभु, आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, इसीलिए आप वांछा कल्प तरु कहलाते हैं। जब आचार्यगण अज्ञान के भावह भवसागर को तार करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, तो वे अपने पीछे अपनी वह विधि छोड़ जाते हैं जिससे वे पार करते हैं, अपने पीछे वो नाव छोड़ जाते हैं जिससे वे पार करते हैं। चूंकि आप अपने अन्य भक्तों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं, अतएव उनकी सहायता करने के लिए आप इस विधि को स्वीकार करते रहते हैं। कृपया दोहराइए, हे द्युतिपूर्ण प्रभु, आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, इसलिए आप वांछा कल्प तरु कहलाते हैं। जब आचार्यगण अज्ञान के बहावह भवसागर को तरने के लिए आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, तो वे अपने पीछे अपनी वह विधि छोड़ जाते हैं जिससे वे पार करते हैं। चूंकि आप अपने अन्य भक्तों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं, अतएव उनकी सहायता करने के लिए आप इस विधि को स्वीकार करते हैं। तात्पर्य, इस कथन से पता चलता है कि किस तरह दयालु आचार्यगण तथा कृपालु भगवान मिलकर उस गंभीर भक्त की सहायता करते हैं जो भगवत धाम वापस जाना चाहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा था, ब्रह्मांड ब्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु तथा कृष्ण की दया से ही मनुष्य को भक्ति लता बीज प्राप्त हो सकता है। गुरु का कर्तव्य है कि काल परिस्थिति तथा पात्र के अनुसार साधनों की खोज करे, जिससे मनुष्य को भक्ति करने के लिए प्रेरित किया जा सके, क्योंकि भगवत धाम वापस जाने वाले व्यक्ति से कृष्ण यही भक्ति स्वीकार करते हैं। भाग्यवान व्यक्ति सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद इस भौतिक जगत में ऐसे गुरु या आचार्य की शरण खोजता है जो भक्त को परिस्थिति के अनुसार सेवा करने की उपयुक्त विधियों का प्रशिक्षण दे सके, जिससे भगवान उसकी सेवा स्वीकार कर ले। इससे पात्र को अपने चरम गंतव्य तक पहुंचने की सुविधा होती है। अतः आचार्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे साधन खोजे जिससे भक्त शास्त्रोक्त विधि से भक्ति कर सके। उदाहरणार्थ, रूप गोस्वामी ने आगे आने वाले भक्तों की सहायता के लिए भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ का प्रकाशन किया। इस तरह आचार्यों का कर्तव्य है कि वे भावी पात्रों को भक्ति करने में सहायक पुस्तकें प्रकाशित करें, जिससे लोग परमेश्वर के कृपा से भगवत धाम पहुंच सके। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इसी मार्ग की संस्तुति की जाती है और इसका पालन किया जाता है। इस तरह भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे चार पाप कर्मों से बचें। ये हैं अवैध यौन, नशा, मांसाहार तथा जुआ। उन्हें प्रतिदिन 16 मालाएं जप करने की भी सलाह दी जाती है। ये प्रमाणित आदेश हैं। क्योंकि पाश्चात्य देशों में सतत कीर्तन संभव नहीं है, अतः बनावटी तरीके से हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए, किंतु इसी विधि का पालन करना चाहिए। जो लोग अधिकारियों द्वारा प्रकाशित विविध पुस्तकों में संस्तुत विधि विधानों का पालन करते हैं, कृष्ण उन्हें भक्त के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अज्ञान के सागर को पार करने के लिए भगवान के चरण कमलों की नौका बनाने की उपयुक्त विधि आचार्य द्वारा बतलाई जाती है, और यदि पालनकर्ता इस विधि का दृढ़ता से पालन करता है, तो वह भगवत धाम से गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाता है। यह विधि
आचार्य संप्रदाय कहलाती है। इसीलिए कहा गया है कि संप्रदाय विहीन येन मंत्रास्ते निष्फला मतः, पद्म पुराण। आचार्य संप्रदाय नितांत प्रमाणित है, इसीलिए इस संप्रदाय को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा सारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। इसीलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के गीत में कहा गया है, तादिर चरण सेवी भक्त सनिवास, जनमे जनमे होए अभिलाष। मनुष्य को चाहिए कि आचार्य के चरण कमलों की सेवा करे और भक्तों के समाज में रहे, तब भाव सागर पार करने का प्रयास सार्थक होगा। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत ही कॉम्पैक्ट परपट जिसमें बहुत सारे आदेश श्रील प्रभुपाद ने दिए हैं। इंग्लिश में पढ़ने में और ज़्यादा शब्दों का एक एक्सपीरियंस होता है। हिंदी अनुवाद में कई बार मैं इंग्लिश में पढ़ के आया था, हिंदी अनुवाद में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो सत्र है श्रीमद् भागवत का, दशम स्कंद द्वितीय अध्याय, देवताओं द्वारा भगवान की गर्भ में स्तुति, इसको गर्भ स्तुति के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः गर्भ का तिरस्कार किया गया है, गर्भ में जीवात्मा का रहना एक निंदनीय स्थिति है। हम लोग वैष्णव भजनों में भी कई बार पढ़ते हैं कि जैसे गर्भ में जननी जठरे छिलाम जखन विषम बंधन पाशी, तो गर्भ में परिस्थिति बड़ी भीषण होती है और इसीलिए अनेक संस्कारों के माध्यम से गर्भ में रहते हुए शिशु को संस्कार दिए जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 16वें अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं किस प्रकार संस्कारों के माध्यम से आसुरी गुण या देवी गुण ये व्यक्ति प्राप्त करता है। अब सामान्यतः लोग गर्भ में जब शिशु होता है तो भगवान की कथा सुनते हैं, लेकिन जब भगवान स्वयं गर्भ में हो तो किसकी कथा सुनेंगे? तो इसलिए देवता लोग भगवान का ही गुणगान करते हैं। इससे एक और बात पता पड़ती है कि भगवान जो गर्भ में प्रवेश करते हैं तो किसी बाध्य परिस्थिति में नहीं है। हम पहले 20वें श्लोक में पढ़ चुके हैं कि वहां पर देवकी देवक्याम गर्भे, भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश करे तो देवकी के गर्भ को वहां गुह्यम गुह्य बोला गया है, गुहा, गुहा मतलब गुफा, गुफा बोला गया है। और उसी 20वें श्लोक में भगवान को हरि नाम से संबोधित किया गया। हरि मतलब शेर, नर हरि। तो शेर जब गुफा में जाता है तो किसी ट्रैफिक सिग्नल की वजह से नहीं जाता है, वो अपनी इच्छा से जाता है, अपनी इच्छा से बाहर आ जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान स्वमायाया, आत्ममायाया, अपनी इच्छा से गर्भ में जाते हैं और इसलिए देवता आकर के उनको प्रार्थना करते हैं। प्रार्थनाएं भगवान की विषय में भक्त का जो अनुभव है उनकी अभिव्यक्ति है। इट्स एक्सप्रेशन ऑफ हिज रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा, दैट इज प्रेयर। सो प्रार्थनाएं हर व्यक्ति की अलग अलग स्तर पे होती है। अब क्योंकि देवता प्रार्थना कर रहे हैं तो उनकी प्रार्थनाओं का स्तर हमने देखा शुरुआत से लेके अभी तक, वो भगवान की परम स्थिति, परम नियंता होने की स्थिति इत्यादि का वर्णन करते हैं। और अभी 2 श्लोकों में वो आचार्यों की संस्तुति करते हैं कि कैसे भक्ति के पद आचरण करने वाले आचार्यों का हमारे जीवन में उपयोग होता है। तो मैं श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज का प्रवचन इसमें सुन रहा था, तो इसी श्लोक पे तो गुरु महाराज बता रहे थे कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन ग्लोरिफिकेशन एंड फ्लैटरी, चापलूसी करना और स्तुति करना, दोनों में बहुत अंतर है। ये हम देखते हैं पृथु महाराज की कथा में भी देखते हैं। पृथु महाराज का जैसे ही राज्याभिषेक हुआ वैसे ही लोग उनकी संस्तुति करने लगे, तो पृथु महाराज ने बोला भाई अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, तब संस्तुति किसकी कर रहे हो, मतलब वो हुआ फ्लैटरी, चापलूसी। लेकिन यहां भगवान की जो संस्तुति हो रही है वो दिव्य स्तर पे हो रही है, क्योंकि ब्रह्मा जी यहां स्तुति कर रहे हैं और हर दिन ही भगवान के इतने सारे अवतार देखते हैं, तो उनके लिए भगवान की लीला का बखान करना, लीला का गुणगान करना स्वाभाविक है। तो
तो यहाँ पर एक बहुत विशेष शब्द को यूज किया है, बहुत विशेष शब्द का उल्लेख हुआ है। ये भागवत में एक ही जगह आता है, द्युमन। द्युमान बहुत जगह है, कई राजाओं के नाम में द्युमान है, लेकिन द्युमन शब्द ये केवल इसी श्लोक में भगवान को संबोधित किया गया है। कल धीरवर प्रभु जी बता रहे थे बैटमैन सुपरमैन ये द्युमन, भगवान द्युमन है। तो द्युमन क्या होता है, प्रभुपाद शब्दार्थ में ही परपट दे दिए, वे भगवान जो अंधकार रूपी तमस को दूर करने वाले सूर्य के समान है। ये कहां से आया, ये कहां से आया, श्लोक में तो नहीं है, चैतन्य चैतामृत। कृष्ण है सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रधिका है। तो प्रभुपद वहां से बोल रहे हैं कि कृष्ण द्युमन सूर्य के समान है, और सूर्य का काम होता है तमस को अंधकार को दूर करना। तो भगवान क्या करते हैं, अविद्या रूपी अंधकार को हृदय से दूर कर देते हैं। तो यहां पर सूर्य के जो कार्य होते हैं उनसे आचार्य लोगों ने भगवान के कार्यों की तुलना की है। जैसे सूर्य प्रथम कार्य जो करता है, सूर्य पालन करता है सृष्टि का, तो भगवान का एक कार्य है पालन करना। और जब हम इस परिस्थिति को समझते हैं कि हर वस्तु भगवान से हम तक आ रही है, तो हम भगवान के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। तो जैसे हम सूर्य को देखते हैं, कई लोग सुबह सुबह उठ के सूर्य को जल देते हैं, वो कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। उसी प्रकार अपने जीवन में उस द्युमन भगवान की कृपा को देखना, ये भक्त का लक्षण होता है। लेकिन कई बार लोग उस परिस्थिति को जब भूल जाते हैं तो कृतज्ञ बन जाते हैं। जैसे आपको पता है एक स्पेन में एक माताजी है, माताजी मतलब एक लेडी है नॉन डिवोटी, उनका नाम है एंजेलिस। उन्होंने सूर्य पर अपना क्लेम किया है कि सूर्य मेरा है, और स्पेनिश कोर्ट से उनको अधिकृत डॉक्यूमेंट मिला है कि सूर्य की मतलब प्रॉपर्टी उनके नाम से है। अब जानते हैं लीगली सूर्य की ओनर एंड्रेस कोई एंजेलिस है जो स्पेन में रहती है। तो उनसे लोगों ने पूछा कि ऐसे कैसे आपने किया, तो उन्होंने बताया कि स्पेनिश लॉ के हिसाब से कोई भी देश या गवर्नमेंट एंटिटी सूर्य चंद्रमा आदि ग्रहों पर अपना राइट क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन उस लॉ में सिटीजन्स के बारे में तो लिखा ही नहीं है। सो मैंने जब कोर्ट में फाइल किया तो लॉ के हिसाब से उनको मुझे अधिकृति देनी पड़ी। ये 2010 की बात है। तो लोगों ने उनसे पूछा, अच्छा आपका आगे का प्लान क्या है, तो बोले अब मैं बिल भेजने वाली हूँ सबके घर पे, क्योंकि सूरज की प्रॉपर्टी मेरी है, तो सूर्य से निकलने वाला सारा प्रकाश का बिल मैं सबके पास भेजूंगी। तो अच्छा अभी फिर आप इमिडिएटली क्यों नहीं कर रही हैं, बोले अभी मैं सिस्टम जनरेट कर रही हूँ कैसे मैं वर्ल्ड वाइड बिल इकट्ठा करूंगी। तो लोगों ने उनको पूछा कि अच्छा ठीक है हम आपको बिल देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूरज से होने वाली जितनी बीमारियां हैं, स्किन डिसीजेस हैं, जय श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गुरुनिताय की, प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की, शीला प्रभुपाद की, तो जितना सूर्य से होने वाली बीमारियां हैं, जितना सूर्य से होने वाले हीट स्ट्रोक इत्यादि हैं, कहीं पर सूखा अकाल पड़ जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है फार्मर, उस सब का भी फिर आपको बिल भेजे, उस सब का भी आप कोर्ट में पेशी देंगे? तो उसने बोला नहीं 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 वो मैं नहीं लूंगी। तो ये जो तथाकथित लोग अपना स्त्रोत्र बताते हैं कि नहीं हम सब कुछ कर रहे हैं, ये उसी तरह है जैसे कम्युनिस्ट चर्च के सामने खड़े हो जाते थे प्रभुपाद, बोलते थे कम्युनिस्ट लोगों को पूछते थे कि अंदर तुमने क्या प्रार्थना की, गॉड गिव अस अवर डेली ब्रेड, तो ब्रेड मिला क्या, नहीं मिला। अभी हमारे सामने बोलो ओ माय डियर कम्युनिस्ट गिव मी माय डेली ब्रेड, और हम तुरंत आपको ब्रेड दे देंगे। तो ऐसे तथाकथित लोग वो पालक नहीं है, वास्तव में पालक कौन है, भगवान स्वयं, इसलिए उनको द्युमन बोला जाता है। दूसरा है भगवान द्युमन क्यों है, क्योंकि उनकी शक्ति उनके प्रकाश के सामने बाकी सबका प्रकाश फीका पड़ जाता है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कंदर्प जिनके सामने फीके पड़ जाते हैं। हम चतुर्थ स्कंद में पढ़ते हैं कैसे जब दक्ष प्रजापति उनकी यज्ञ में सभा में आते हैं तो वो चमक रहे थे, बहुत सारा तेज उनसे निकल रहा था, ऐसा हम पढ़ते हैं। लेकिन उसी स्कंद में बाद में जब भगवान विष्णु उनके यज्ञ में प्रकट होते हैं तो बताया गया है कि दक्ष का तेज मानो एक जुगनू के जैसा रह गया, क्योंकि भगवान के सामने
किसी का तेज नहीं रह सकता। सो कोई अगर बोलता भी है कि वो भगवान है तो वो केवल जुगनू समान है। प्रभुपाद लाइट ऑफ भागवता किताब में लिखते हैं कि कलयुग में काफी जुगनू घूम रहे हैं जो अपने आप को भगवान बताते हैं, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि सूर्य उदित नहीं हुआ है। जैसे ही संकीर्तन आंदोलन का सूर्य उदित हो जाएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे ही संकीर्तन आंदोलन का सूर्य उदित हो जाएगा तो ये सारे जुगनू फीके पड़ जाएंगे। जैसे एक बार प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे तो एक व्यक्ति बीच में से खड़ा हो गया, आई एम गॉड बोलते ही जा रहा है। प्रभुपाद बोलते, नाउ बी ए गुड गॉड एंड सिट डाउन, अभी एक अच्छे भगवान बनो और चुपचाप बैठ जाओ। तो इस तरह कई लोग अपने आप को भगवान बताएंगे, उनके लिए सब भगवान है, लेकिन जो वास्तविक भगवान है वो भगवान नहीं है। ये आसुरी लक्षण है। गीता में भगवान 16वें अध्याय में बताते हैं कि कोई बोलता है कि मैं भगवान हूं, कोई बोलता है कि वो भगवान है, कोई बोलता है सबको ही भगवान है, कोई बोलता है भगवान है ही नहीं, लेकिन जो वास्तविक भगवान है उसको भगवान नहीं मानेंगे। तो ये द्युमन वास्तव में वो भगवान है जो जब अपनी शक्ति का प्रकाश करते हैं तो बाकी सबकी शक्ति फीकी पड़ जाती है। जैसे इंद्र जब नर नारायण की परीक्षा करने के लिए अप्सराएं भेजते हैं तो इंद्र को लगता है कि मैं थोड़ी शक्तियां दिखाऊंगा, दैविक शक्तियां, और नर नारायण अपना तप छोड़ देंगे। लेकिन नर नारायण अपनी जंगाओं से उनसे भी करोड़ों गुना सुंदर अप्सराओं को इंद्र को भेंट में भेज देते हैं, गिफ्ट। तो इंद्र को समझ में आता है कि मैंने गलत जगह हाथ डाल दिया। ऐसे ही ब्रह्मा जी स्वयं अभी स्तुति बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी के साथ भी ऐसे ही होगा आगे। ब्रह्मा जी देखेंगे कि भगवान को मैं थोड़ा टेस्ट करता हूं तो अपनी माया शक्ति दिखाएंगे, बछड़ों को और ग्वाल सखाओं को ले जाएंगे और भगवान उनसे बड़ा मैजिक दिखा देंगे कि वो उतने ही ग्वाल बाल और गायों के बछड़े के रूप में एक साल तक लीला करेंगे और सब ज्यादा खुश होंगे पहले से। तो इस तरह भगवान के शक्ति के सामने सबकी शक्ति फीकी पड़ती है, इसलिए उनको बोला जाता है द्युमन। तीसरा, भगवान तमस को दूर करते हैं इसलिए उनका नाम है द्युमन। ही इल्यूमिनेट्स डिवोटीज हार्ट। जैसे दशम अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान बोलते हैं गीता में, कैसे वो अज्ञान रूपी तमस को भक्त के हृदय से दूर कर देते हैं ज्ञान रूपी दीपक से। तो कांचीपुरम में, जो कि बहुत पुरानी पुरी है, हमारे पुराणों में उनकी कई कथाएं आती हैं, वहां पर एक बार इसी प्रकार ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए गए और जब वो वहां पर यज्ञ कर रहे थे तो कुछ दानवों ने वहां पर अंधकार अंधकार फैला दिया और वो वहां पर तमस फैला रहे थे। तो ब्रह्मा जी जब भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान स्वयं अपने हाथ में दीपक लेकर के वहां पर प्रकट होते हैं। इसलिए उधर एक विशेष विग्रह है वरदराज के मंदिर के पास, दीप प्रकाश पेरुमल, पेरुमल मतलब भगवान। तो भगवान स्वयं एकमात्र मंदिर है जहां पर भगवान दीपक लेकर के खड़े हुए हैं, क्योंकि वो स्वयं द्युमन है, अंधकार को दूर करने वाले हैं। कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसका पुत्र अनपढ़ रह जाए, तो भगवान भी अपने भक्तों के हृदय में वो ज्ञान को स्फुरित कर देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान प्रकट हुए तो शंख स्पर्श करके ध्रुव को सब ज्ञान का ज्ञान से लाभान्वित कर दिया। तो इस प्रकार भगवान का इल्यूमिनेटिंग नेचर, जो प्रकाशित करने का स्वभाव है, उनको द्युमन बोला जाता है। जब प्रचेताओं को भगवान शिव रुद्र गीत बोलते हैं वहां पर भी वो इसी बात का उल्लेख करते हैं कि भगवान के उपस्थिति की जरूरत नहीं है, भगवान के प्रकाश की जरूरत भी नहीं है, भगवान के नाखूनों से जितना प्रकाश निकल रहा है उससे अंदर के हृदय के अंधकार को दूर किया जा सकता है पूरे विश्व के, इसलिए भगवान द्युमन है। और उसमें आचार्य लोग टीका में बोलते हैं कि भगवान ने कुवल्य पीड़ हाथी को मारा वो बड़ा काम नहीं है, अगासुर को मारा वो बड़ा काम नहीं है, लेकिन इतने से प्रकाश से हमारे हृदय के सारे अंधकार तमस अविद्या को दूर कर देते हैं, ये सबसे बड़ा कार्य है, इसलिए उनका नाम द्युमन है। और है नेक्स्ट, वो अनर्थों का भी दमन करते हैं। जैसे सूर्य जब उदित होता है तो सारे चोर डाकू सब छुप जाते हैं, घरों में कॉकरोच भी रात में ही निकलते हैं, जैसे सूर्य उदित होता है कॉकरोच वगैरह कीड़े भी अंदर घुस जाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान की जब भक्ति का उदित होता है तो सारे अनर्थ भी दूर चले जाते हैं। जैसे एक बार शुभक स्वामी महाराज ने श्रील प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद ये काम वासनाएं कब खत्म होंगी,
प्रभुपाद ने बोला नहीं होंगी, प्रभुपाद चले गए। महाराज बड़े टेंशन में आ गए, ये क्या आंसर है। तो कुछ दिन बाद फिर हिम्मत की, प्रभुपाद से दोबारा वही क्वेश्चन पूछना बहुत हिम्मत वाला काम है। दोबारा से वही प्रश्न पूछा, प्रभुपाद काम वासना है कब जाएंगी। उनको लगा प्रभुपाद इतने सारे प्रश्न रोज आते हैं, दोबारा से चांस मार लेते हैं। प्रभुपाद ने तुमको बोला था ना उस दिन नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। फिर चुप रह गए। फिर दोबारा प्रभुपाद से जब मुलाकात हुई, फिर तीसरी बार ने वही प्रश्न पूछा, प्रभुपाद ये काम वासना हृदय से कब जाएंगे। प्रभुपाद बोलते गोविंद इच्छा, केवल जब भगवान इच्छा करेंगे तभी हृदय से काम वासनाएं जाएंगे, हमारे प्रयास से नहीं जाएंगे। तो हम प्रयास क्यों करते हैं, हम भगवान को वेलकम करते हैं, हम आह्वान करते हैं कि भगवान आप आइए हमारे हृदय से अनर्थों को दूर कीजिए। नहीं तो हमारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने अनर्थों को दूर कर सके, इसलिए भगवान द्युमन है। और पांचवा, भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे सूर्य का कार्य है हर वनस्पतियों में ऊर्जा देना, पृथ्वी में ऊर्जा देना, ऊर्जा देना सूर्य का काम है। तो भगवान भक्तों को एम्पावरमेंट देते हैं, शक्ति संचार करते हैं, जिससे वो भक्ति भी कर सकें और प्रचार भी कर सकें। इसीलिए भगवान को द्युमन बोला जाता है। यहाँ वसुदेव और देवकी के विषय में बोला गया, जब वसुदेव के हृदय में भगवान प्रवेश किए तो वो इतना प्रकाश वसुदेव से निकल रहा था। फिर देवकी के हृदय में, देवकी के गर्भ में प्रवेश किए तो देवकी के प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। तभी तो कंस को पता पड़ा कि इनके गर्भ में पुत्र है, तभी तो देवता आकर के प्रार्थना करना शुरू करते हैं। तो ये एम्पावरमेंट इज ऑल्सो स्पेशल ब्लेसिंग ऑफ दैट द्युमन कृष्णा, जहां भगवान भक्तों को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं उनकी सेवा करने के लिए। और जब ऐसी शक्ति भक्त प्राप्त करता है तो ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, ऐसे भक्त पूरे ब्रह्मांड को कृष्ण भावना भाए कर सकते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य की शुरुआत ही वैसे किए हैं कि परम कृपालु भगवान और आचार्यगण दोनों कोलैबोरेशन में मिल करके जीवात्मा का उद्धार करने का संकल्प लेते हैं। इसलिए आचार्य लोगों की विशेष कृपा की वजह से जीवात्मा भक्ति कर पाता है, क्योंकि आचार्य समझते हैं कि किसका कितना अधिकार है, कौन कैसे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सकता है। हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, काल परिस्थिति और स्थान, इसके आधार पर निर्देश देते हैं। जैसे प्रभुपाद ने जब ये आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने देखा कि ये सत्स्वरूप महाराज बड़े पढ़ने लिखने में इनका बड़ा रुचि है, ये पढ़ाई लिखाई अच्छा कर सकते हैं, तो उनको फिर बीबीटी में सेवा दी, बाद में उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में सेवा दी। इसी तरह अलग अलग गर्ग मुनि प्रभु, उनको प्रभुपाद बोलते थे गर्ग मनी, इनका पैसे में ज्यादा रुचि है, तो प्रभुपाद ने उनको बोला तुम पैसा संभालो, बाद में जाके स्पिरिचुअल स्काई डिपार्टमेंट प्रभुपाद ने शुरू किया, जहां पर अगरबत्ती इत्यादि बेचा जाता था, प्रभुपाद ने उनको उधर लगाया। प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद प्रभु को देखा ये तो बड़ा बड़े बड़े काम कर सकते हैं, तो प्रभुपाद ने उनको फ्लोरिडा में भेजा, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा UCF, वहां पर जाकर के प्रचार करने लगे। वहां पर जब प्रचार करने लगे उनको एक केंद्र मिल गया, और यहाँ प्रभुपाद भारत में थे, मुंबई में क्रॉस मैदान में प्रवचन दे रहे थे, 30,000 लोग प्रभुपाद का प्रवचन सुन रहे थे। तो एक व्यक्ति उसमें से खड़े होकर के प्रभुपाद को चुनौती देता है कि आप हमको भारत में क्या प्रचार कर रहे हो, हमको तो सब पता है, आपको वास्तव प्रचार करना है तो आप पाकिस्तान में प्रचार करके बताओ। अब 30,000 लोगों के सामने जब ऐसा बोला, प्रभुपाद बोला हाँ हमने तो अपना व्यक्ति भेज दिया पाकिस्तान। अभी लोग पूछ रहे थे कौन को भेजा, अभी तक तो किसी को भेजा नहीं, प्रभुपाद हमने तो भेज दिया। प्रभुपाद ने उसी रात में पत्र भेजा ब्रह्मानंद प्रभु कि जाओ पाकिस्तान में जाके प्रचार करो। हमने लेटर लिखा, प्रभुपाद यहाँ घर मिल गया है, यहाँ पर बस सेंटर खुलने वाला है, सब तैयारी है। प्रभुपाद बोले अगर तुम फ्लोरिडा में सेंटर खोल सकते हो तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल खोल सकते हो, तो क्या दिक्कत है, तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। ब्रह्मानंद प्रभु पाकिस्तान चले गए, गर्ग मुनि प्रभु को भी साथ में ले गए। कुछ दिन बाद खबर आई कि पाकिस्तान में 4 मिशनरीज की हत्या कर दी गई। प्रभुपाद बड़े चिंता में डूब गए, ब्रह्मानंद प्रभु की कोई खबर नहीं, तो प्रभुपाद को लगा शायद ब्रह्मानंद प्रभु चले गए। प्रभुपाद रोते हैं, अश्रु बहाते हैं। एक दिन बॉम्बे में जब प्रभुपाद थे तो ये ब्रह्मानंद प्रभु वहां आ गए, तो प्रभुपाद बड़ा खुश हो गए, उनको गले से लगाया, बोले मैं सोच रहा था तुमने जीवन छोड़ दिया है और इतने मेरी आज्ञा के लिए तुम पाकिस्तान चले गए। प्रभुपाद रोते हैं गले से, ब्रह्मानंद प्रभु बड़े से, प्रभुपाद छोटे से,
तो सब भक्त बड़ा उस प्रेममय संबंध को देख रहे थे। कुछ दिन निकले, ब्रह्मानंद प्रभु तो बड़े खुश कि हमने गुरु की आज्ञा पालन की, देखो अपने जानों का ये कर दिया। कुछ दिन बाद प्रभुपाद उनको बुलाते हैं, ब्रह्मानंद मैं चाहता हूं कि अफ्रीका में कोई प्रचार नहीं कर रहा है, हमारा सब महाद्वीपों में प्रचार केंद्र है, अफ्रीका के नैरोबी में नहीं है, तो तुम वहां चले जाओ। ब्रह्मानंद प्रभु सोचते हैं सारे महाद्वीपी में खोलने का ठेका मुझे ही क्यों मिलता है, नैरोबी भेज दिया। अब वहां पर प्रभुपाद ने उनको बोला था कि जैसा यहां पर पांडल प्रोग्राम हुआ है बॉम्बे में, वैसा पांडल प्रोग्राम तुम नैरोबी में करना। अब ब्रह्मानंद प्रभु ने सेंटर खोला, लोग प्रसाद तो ले जाते थे, चम्मच करछी बर्तन वो भी चोरी कर ले जाते थे, अब ऐसे स्थान में कैसे प्रचार करें। बड़ी कठिनाइयों का सामना किया। प्रभुपाद पत्र लिखते हैं कि मैं आ रहा हूं, प्रभुपाद आ भी रहे हैं, बोला था पांडल प्रोग्राम करना, तो पांडल वांडल तो मिला नहीं, एक फुटबॉल स्टेडियम बुक कर लिया कि फुटबॉल स्टेडियम में प्रभुपाद का लेक्चर कराएंगे। प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद पूरा फुटबॉल स्टेडियम है, कैपेसिटी इतने हजार हजार लोग बैठ सकते हैं, हमने सब तैयारी कर ली है। प्रभुपाद जब प्रवचन देने पहुंचे वहां पर 50 लोग आए। अब ब्रह्मानंद प्रभु की हालत खराब, प्रभुपाद को मैंने भारत से यहां बुलाया, इतना बड़ा स्टेडियम बुक किया, इतना सारा पैसा खर्च किया, 50 लोग आए प्रोग्राम में। मंदिर वापस पहुंचे, प्रभुपाद बोलते कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, तुमने बहुत अच्छा प्रचार किया। तो ब्रह्मानंद प्रभु को लगा कि शायद अब प्रभुपाद खुश हो गए मेरे से, तो मैं नैरोबी में रहूंगा, बढ़िया से प्रचार करूंगा। दो दिन बाद प्रभुपाद बोलते हैं, एक्चुअली बॉम्बे में मुझे होटल बनाना है, दो टावर्स का गेस्ट हाउस, तो तुम बॉम्बे ही वापस चलो, वहीं अच्छे थे। तो फिर बॉम्बे ले आए, तो कहां से कहां फेंका, फ्लोरिडा से पाकिस्तान, पाकिस्तान से बॉम्बे, बॉम्बे से अफ्रीका, अफ्रीका से दोबारा बॉम्बे। गुरु जानते हैं किसको क्या कार्य कराना है, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, अगर वो वहां पर प्रचार शुरू नहीं करते तो अफ्रीका में प्रचार ही शुरू नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं गुरु कैसे एक एक शिष्य को सेवा में लगाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में तो प्रभुपाद यहां तक बोलते हैं कि आप कितनी भी सेवा कीजिए, अगर गुरु से दीक्षित नहीं है, गुरु ने आपको आदेश नहीं दिया, तो वो सेवा भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे। वो सेवा भगवान तभी स्वीकार करेंगे जब गुरु नियुक्त करते हैं कि आप ये कार्य कीजिए। तो साधन भक्ति मतलब ही है गुरु के आदेशों का पालन करना। और प्रभुपाद तात्पर्य में एक और बात बोल रहे हैं, वो आदेश हमको मिलते हैं गुरु के शास्त्रों के द्वारा। जैसे रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखी, जैसे प्रभुपाद ने इतने सारे ग्रंथ लिखे। एक बार गौर किशोरदास बाबा जी से पूछा गया कि कृष्ण प्रेम को कैसे प्राप्त किया जाए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए मूल्य क्या है, तो गौर किशोरदास बाबा जी ने क्या उत्तर दिया, 25 पैसे। 25 पैसे में कृष्ण प्रेम मिलता है? बोले हाँ। कैसे? 25 पैसे में जाओ नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका खरीद के लाओ, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। ये आचार्यों के ग्रंथों में कृष्ण प्रेम है, क्योंकि कृष्ण ने साक्षात वो आचार्यों को ग्रंथ लिखा है। जैसे कृष्णदास कविराज बोलते हैं मुझे मदन मोहन ने ये ग्रंथ लिखाया है, बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं गोविंद भाष गोविंद देव जी ने मुझे लिखा है। ऐसे एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद स्वामी जी आपने इतनी बुक कैसे लिख ली, इतने ग्रंथ आपके कैसे फेमस हो रहे हैं? तो प्रभुपाद चुप थे, तो उनके पास एक सन्यासी शिष्य खड़ा था, उसने मौके पे चौका मारा। उसने बोला, वास्तव में भगवान कृष्ण प्रेरणा देते हैं इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं। तो रिपोर्टर बोलता है, हमको तो मालूम था कि अब्राहम रिलीजन में मूसा को प्रेरणा दी थी भगवान ने, अब ये दूसरे मूसा कौन आ गए, तो ये कोई बड़े पैगंबर हैं कौन है? तो वो प्रश्न पूछने ही वाला था प्रभुपाद से, उसने बोला कि क्या ये सही बोल रहे हैं, आपको प्रेरणा देते हैं भगवान? बोलते नहीं, भगवान ने मुझे प्रेरणा नहीं दी। तो बोले हाँ, मैं तो वही बोल रहा था, मूसा के बाद कौन पैगंबर आ गए, नहीं भगवान ने थोड़ी प्रेरणा दी होगी। बोलते भगवान प्रेरणा नहीं देते, मुझे डिक्टेशन देते हैं, भगवान बोलते जाते हैं मैं लिखता जाता हूं, तो ये ग्रंथ लिखे हैं भगवान स्वयं ने। तो फिर उसने अपना टीम टाम उठा के चला गया, बोलो मेरी दाल यहां नहीं गलेगी। तो परंपरा की वाणी में शक्ति है, हम भले ही कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, जब आचार्यों की पुस्तकें पढ़ते हैं, जब आचार्यों से वो निर्देश आते हैं, तो उनमें शक्ति होती है, उसको परंपरा बोला जाता है। बिना परंपरा के फल नहीं मिलता है, बिना परंपरा के मंत्र भी निष्फल हो जाता है। जैसे मान लो अपनी जेब में गोली पड़ी हो, बुलेट, और उसको फेंक के किसी को मारे, तो क्या होगा उसको? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वही गोली जब बंदूक में ताक करके मारी जाती है तो व्यक्ति खत्म हो जाता है। तो परंपरा उस बंदूक के जैसे है जिसमें शास्त्रों को जब दिया जाता है तो जीवात्मा का अंधकार समाप्त हो जाता है।
कल धीरवर को बता रहे थे कुत्ते की पूंछ पकड़ के समुद्र को पार करना, तो अगर हम अपने प्रयास से करेंगे तो वो कुत्ते की पूंछ पकड़ के पार करने के समान है। मैं सोच रहा था कुत्ते की पूंछ क्यों बोली है, कुत्ते की पूंछ किसी काम में नहीं लगती है। पूंछ का काम होता है पीछे के अंग को ढकना जानवरों के लिए, है ना, तो कुत्ते की पूंछ वो भी काम नहीं करती है, और साइज में इतनी छोटी होती है कि मक्खी मच्छर बैठ जाए तो उनको भगाने के काम भी नहीं आती है। तो पूछे कुत्ते की पूंछ किसी काम की नहीं है, उसको पकड़ के अब उसके काम में जो चीज नहीं आई वो हमको क्या मदद करेगी। तो इसलिए आचार्यों के ऊपर भरोसा करके, आचार्यों की शरण लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये कनिष्ठ स्तर होता है जहां व्यक्ति ये सोचता है कि मैं भगवान को अपने आप प्राप्त कर लूंगा बिना आचार्यों के, बिना भक्तों के। इसलिए दोनों भागवत जरूरी है, ग्रंथ भागवत, व्यक्ति भागवत। हम लोग चैतन्य लीला में कितने उदाहरण देखते हैं, जैसे एक बार देवानंद पंडित भागवत कथा कर रहे थे और सभी लोग बड़े भाव में डूबे हुए थे, वहां पर श्रीवास ठाकुर भी बैठे थे और भागवत सुन के श्रीवास ठाकुर अश्रु बहाने लगे, उनको अष्टसात्व विकार जैसे होने लगा। तो देवानंद पंडित के शिष्यों ने सोचा कि ये डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो श्रीवास ठाकुर को उठा करके बाहर छोड़ दिया। ये जब चैतन्य महाप्रभु को पता पड़ा तो चैतन्य महाप्रभु ने देवानंद पंडित का त्याग कर दिया। बाद में ये देवानंद पंडित को अपनी समस्या समझ में आई, अपनी गलती समझ में आई कि मैंने वैष्णव भागवत का अपराध किया है तो ये ग्रंथ भागवत मेरे ऊपर कैसे कृपा करेंगे, और श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवत तत्व हैं वो मेरे ऊपर कैसे कृपा करेंगे। तो फिर वो अवसर ढूंढने लगे कि कैसे मैं वैष्णवों की सेवा करूं। तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर वैष्णव जिसके शरीर से खूब तेज निकल रहा है, जो इतना आकर्षित लग रहा है, वो नृत्य कर रहा है भगवान के कीर्तन में, और एक दो मिनट, पांच मिनट, दस मिनट नहीं, छह घंटे लगातार नृत्य करता जा रहा है। इतने लोग उमड़ गए उनका दर्शन करने के लिए, उनके पास जाने के लिए, कि भीड़ उनके निकट जाने लगी। तो इन्होंने सोचा कि अभी सेवा का अवसर है, तो इन्होंने एक डंडा उठाया और वो भीड़ को दूर करने लगे जिससे कि वो अपने कीर्तन में निमग्न रहे। वो कौन थे? वक्रेश्वर पंडित। 72 घंटे एक साथ नृत्य कर सकते थे हरिनाम संकीर्तन में। तो उस प्रकार वक्रेश्वर पंडित की जब उन्होंने सेवा की, भले ही छोटी सेवा की, चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वीकार कर लिया। तो इससे पता पड़ता है कि बिना आचार्यों की शरण के, बिना भक्तों की शरण के, बिना परंपरा के शरण के, वो द्युमन भी हमारा कुछ नहीं करेंगे, वो सूर्य भी हमको प्रकाश नहीं देंगे। तो इस प्रकार से वैष्णवों की शरण लेते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो यह उदयगिरी हमारे हृदय के पर्वत में भगवान का द्युमन उदित होता है और उस उदय से, भक्ति के प्रकाश से, सारा तमस, सारे अनर्थ चले जाते हैं। तो इस प्रकार देवता भगवान को द्युमन कह करके, सुहृत कह करके प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान को अलग अलग गुणों को प्रकाशित कर रहे हैं कि आप अपने भक्तों को इस प्रकार प्रकाशित करते हैं। और भक्त भी इतने निस्वार्थी होते हैं कि उस नाव को पीछे छोड़ जाते हैं जिससे अनेक अनेक जीवात्माएं उस पथ पे चलकर आपके धाम तक पहुंच सके। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की। श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण।